आप सभी को मेरा प्यारा सा जय श्री श्याम। सबका दिन अच्छे से गुजरे। तो आज हमारे घर में है श्याम बाबा का कीर्तन और अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, तो अभी आप सबको कीर्तन में भी लेके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं, सभी कीर्तन एंजॉय करना अच्छे से और श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स आशीर्वाद सबके पास तक अच्छे से पहुँच जाए, बस यही मनोकामना। और जैसे कि फागुन का महीना चल रहा है तो बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत मजे करने वाले हैं सब लोग, तो आप सब जरूर देखना। प्यारा प्यारा सा जय श्री श्याम आप सबको। तो मिलते हैं कीर्तन में ही देख। ये यहाँ पे हमने चौकी लगा ली है श्याम प्यारे की, सांवरे सरकार की। ये लड्डू गोपाल जी बिठा रही है। और गणपति बाप्पा का कैलेंडर है। तो अभी कीर्तन शुरू करानी है क्योंकि सब आए नहीं है, सारी लेडीज जितनी आनी थी धीरे धीरे करके सब आएंगे तो कीर्तन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इतने में प्रसाद पैक कर देती हूँ, तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर को कट करके इन सब में प्रसाद पैक करके रख रही थी। और कीर्तन भी धीरे धीरे चालू होने लगा, सब लोग आने लग गए थे जितनी भी लेडीज़ को आना था, और इतने मैंने सोचा मैं प्रसाद ही पैक कर देती हूँ। और मैंने ये बताना भूल गई थी कि आज है क्या, आज है फागुन ग्यारस की एकादशी, मतलब फागुन माँ की एकादशी, तो इसलिए हमने करवाया है कीर्तन श्याम बाबा का। और अभी मम्मी दिया प्रज्वलित कर रही है और आपको फागुन माँ की ग्यारस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि ये बड़ी एकादशी होती है बोलते हैं, तो इसलिए कीर्तन रखवाया घर में, शुभ होता है रखवाना। तो फिर अब सब काजल दीदी तिलक लगा रही थी, मैंने तिलक लगवाया, तिलक लगवा के फिर मैंने पूरा प्रसाद वगैरह पैक भी कर दिया था। यहाँ जागृति अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी दूसरे वाले फ़ोन से, मेरा जो पुराना वाला फ़ोन है मैं यहाँ इस वाले फ़ोन से ब्लॉगिंग करने में लगी पड़ी थी। वो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा, यहाँ ये घंटी बजाने लग गई, डांट भी खा रही थी और मान भी नहीं रही थी, तो बस यही सब मस्ती चल रही थी बच्चों की साथ में। और ये देखो ये मौसी इसको डांटने लगी, खड़ी हो आप सुन भी नहीं होगे सारी बात, तो इसको धमका के बिठाया। मैंने भी बोला बैठ जाए जगह पर, कोई है आपको पता ही है बच्चे मानते नहीं, और ये तो बिल्कुल भूती बन गए थे, ऐसी होली खेली थी इन्होंने बच्चों ने। तो मेरे को भी बोल रही मम्मी मेरे को प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, ट्रॉफी दे दो, मैंने कहा बाद में मिलेगा जब प्रसाद दूंगी, इकट्ठे करा था। और अभी मैं यहाँ गुलाल का पैकेट खोल रही थी, गुलाल का पैकेट जो था ना ये थोड़ा सा येलो था, तो ये येलो से बिल्कुल लाइट कलर था, ग्रीन कलर था, तो ये वाला गुलाल ना मेरे को सही नहीं लगा, तो ये गुलाल मैंने पैकेट में बाद में वापसी डाल दिया था इसी में। फिर हमने पिंक कलर का गुलाल रखा क्योंकि ये तो बहुत वाइट सा ही हो गया था, तो मैंने रखा रहा था। मेरी मम्मी से साथ बोली ये किस चीज़ का प्रसाद रखा है तुमने, मैंने कहा ये तो गुलाल है। Yeah.
आज वीडियो ऑल ब्लॉगर बन जाएगी छोरी। सावरिये सरकार की जय हो। ए परी चढ़ा के आई है क्या? कर रही है ये भूत नहीं आए। ये तो लुड़कू राम ही है, लुढ़कती रहती है। इन्हीं में पड़ गई सारी होली। इन्हीं में पड़ी गई सारी होली।
Yeah.
अब सब लोग जा रहे हैं वापसी घर, घर भी इसलिए जा रहे क्योंकि लाइट चली गई तो स्पीकर्स बंद हो गए, जो बाकी सब बचे थे उन्हें प्रसाद दे रहे हैं, वो सब जा रहे हैं घर। नहीं तो हम डांस ही कर रहे थे जब तक स्पीकर बज रहा था, लाइट जाने की वजह से स्पीकर बंद। फिर मैं सबके लिए बनाऊंगी चाय, बाकी जो बचे थे। तो आप सबको कैसा लगा कीर्तन में, और मज़ा आया तो कमेंट में जरूर बताना सर। और अभी मैं बना भी सब ले जाए सब बाहर बैठे हैं, तो क्योंकि अगर मज़ा आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि अच्छा लगा। वैसे भी श्याम बाबा का तो सबका मन अच्छे से तृप्त हो गया होगा कीर्तन में, तो बस सबने अच्छे से इंजॉय करा सबने कीर्तन में। और थोड़ी सी होली के लिए आप मेरा हाल देख सकते हैं, और जिसको चाय पी रहे आ जाओ, चाय अदरक वाली बढ़िया।